हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पर ब्रह्म की आंख से आंसू यदि धरती पर गिर जाता तो इस सारी प्रकृति का क्या होता? सारा ब्रह्मांड इसमें डूब जाता और प्रलय से पहले प्रलय हो जाती। प्रभु, गंगा का वेग तो भगवान शिव ने रोक लिया था, परंतु आपके आंसू का वेग भगवान शिव भी ना रोक पाते। उद्धव भैया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, अब आप ही मुझे कोई शिक्षा दो ना, जिससे चित्त की चंचलता को शांति मिले और मैं इस मोह के बंधन से छूटूं। भैया, मैं आपको शिक्षा दूं? हाँ भैया। क्या शिक्षा दूं? क्या मैं आपको ये बताऊं कि भैया ये आपके ही अपनी कल्पना है, जिसे आप स्वयं ही अपने इर्द गिर्द लपेटने का नाटक कर रहे हो? इस समय मैं भावना की नदी में डूबता जा रहा हूं भैया। अब आप ही अपनी ज्ञान की नौका में बिठाकर मुझे इस मोह के सागर से बाहर निकालो। बस बस बस, ये भावना का नाटक बंद करो। ये उन्हीं भोली भाली ग्वालिनों को सुनाकर उन्हें ही चलते रहो। मुझ पर ये हथियार नहीं चलेंगे। ये सब मोह की माया है, अज्ञानियों को ये भटका सकती है, परंतु जो ज्ञानी होता है इन भावनाओं की नदी में नहीं बहता। आप तो योगियों के ईश्वर हो, परम योगी हो, उन्हें त्याग की शिक्षा दो। आप सच कह रहे हैं उद्धव भैया, उन्हें यही सच्चा ज्ञान प्रदान करना चाहिए, परंतु मुझे तो उनसे डर लगता है। उनके प्रेम का प्रवाह इतना प्रबल है कि वो ज्ञान के किनारों को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं तो उन्हें समझाने नहीं जाऊंगा। निर्मोही कभी हमारी याद नहीं आती? स्वयं तो राजमहल के रेशमी बिछौनों पर सो रहे हो और हमें कांटों की सेज पर छोड़कर चले आए। वहां की जय जयकार में खो गए। हमारे हृदय की हाहाकार कभी सुनाई नहीं देती। राधा की ये मूक व्यथा श्री कृष्ण से सही नहीं जाती और वो कहते हैं, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी तो कोई ताना दो। राधे, क्या तुम भी इनकी तरह मुझे छलिया समझती हो? राधा, एक तुम ही तो हो जो मेरी विवशता को समझ सकती हो। यदि तुम भी मुझसे रूठ गई तो मैं अपने कर्तव्य पथ पर किसके सहारे आगे बढ़ूंगा? क्या सचमुच रूठ गई हो? राधे, यदि तुम मुझसे नहीं बोलोगी तो मेरे हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। मुझ पे गुस्सा करो, मुझे ताने दो, परंतु कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। राधा, राधा बोलो ना। राधा, ऐसे मत रूठो। राधा मुझसे बोलो। राधा, ये बेचारी क्या बोलेगी? जब से तुम गए हो ऐसी चुप हुई है कि दिन रात यमुना किनारे चुपचाप बैठी रहती है, न कुछ बोलती है, न किसी को बताती है कि उसके अंतर में क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इस संसार में ही नहीं है, न जाने किस दुनिया में खोई रहती है।
वचन भी ले लिया था कि आंसू नहीं बहाना। बेचारी रो लेती तो दिल की भड़ास तो निकल जाती। बेचारी पत्थर हो गई है। राधा, केवल एक बात का उत्तर दो, मुझ पर भरोसा नहीं रहा। परंतु क्या मुझसे प्रेम भी नहीं रहा? बोलो राधा, क्या प्रेम भी नहीं रहा? उत्तर दो राधा। आंख में आंसू, भगवान ये क्या करने जा रहे थे? पर ब्रह्म की आंख से आंसू यदि धरती पर गिर जाता तो इस सारी प्रकृति का क्या होता? सारा ब्रह्मांड इसमें डूब जाता और प्रलय से पहले प्रलय हो जाती। प्रभु, गंगा का वेग तो भगवान शिव ने रोक लिया था, परंतु आपके आंसू का वेग भगवान शिव भी ना रोक पाते। भगवान, आप ये अनर्थ क्यों करने जा रहे थे? उद्धव भैया, राधा हमसे रूठ गई है, बोलती नहीं है हमसे। राधा? कौन राधा? क्या राधा आपसे अलग है? प्रभु, प्रभु आपका अवतार तो संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए हुआ है, परंतु आप तो उद्धार की जगह उनका बेड़ा डुबोने जा रहे थे। इसका कारण प्रभु? भैया मैं क्या करूं, मन बहुत व्याकुल है। क्यों? मोही ब्रज पिसरत नाही, मोही ब्रज पिसरत नाही। उद्धव भैया, ब्रज की वो कुंज गलियां, गोपियों का स्नेह, यशोदा मैया की लाठी, नंद बाबा का दुलार, राधा का निश्चल प्रेम, वो सारी यादें मिलकर जैसे एक साथ मुझ पर आक्रमण करने लगती हैं। उद्धव भैया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, अब आप ही मुझे कोई शिक्षा दो ना, जिससे चित्त की चंचलता को शांति मिले और मैं इस मोह के बंधन से छूटूं। भैया, मैं आपको शिक्षा दूं? हाँ भैया, क्या शिक्षा दूं? क्या मैं आपको ये बताऊं कि भैया ये आपके ही अपनी कल्पना है, जिसे आप स्वयं ही अपने इर्द गिर्द लपेटने का नाटक कर रहे हो? ये सब आपको नाटक दिखता है उद्धव भैया? हाँ, ये नाटक नहीं है भैया, सचमुच मेरी जान पर बनी हुई है। अंदर से फूट फूट के रोने को जी चाहता है, बस इसीलिए आपसे सहायता मांग रहा हूं। इस समय मैं भावना की नदी में डूबता जा रहा हूं भैया, अब आप ही अपनी ज्ञान की नौका में बिठाकर मुझे इस मोह के सागर से बाहर निकालो। बस बस बस, ये भावना का नाटक बंद करो, ये उन्हीं भोली भाली ग्वालिनों को सुनाकर उन्हें ही चलते रहो, मुझ पर ये हथियार नहीं चलेंगे। आप पर तो इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, ये सब मोह की माया है, अज्ञानियों को यह भटका सकती है, परंतु जो ज्ञानी होता है
इन भावनाओं की नदी में नहीं बहता। ज्ञान पत्थर की वो चट्टान है जो नदी के तूफान में भी अपने स्थान पर जमी रहती है। आप तो परम ज्ञानी लोग हैं, स्थिर हैं, परंतु हम तो अनजान, अनपढ़, अज्ञानी मानव हैं। भावनाओं की लहरों में डूबकर या तो मर जाते हैं या तर जाते हैं। आप अज्ञानी मानव हो? हाँ भैया, ऐसे गांव में रहा जहां पाठशाला भी नहीं थी, ग्वालों के साथ गाय चराते चराते जीवन बीत गया। ऐसा अनपढ़ ही तो अज्ञानी होता है। देखो कन्हैया, आप मुझसे अपना असली रूप छिपाने की कोशिश मत करो। मैं देवताओं के गुरु स्वयं भगवान बृहस्पति का शिष्य हूँ। मेरे परम गुरु ने मुझे आपके अवतार का रहस्य समझाते हुए ये कहा था कि स्वयं पर ब्रह्म ने तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया है। तभी से मैं अपने हृदय के आसन पर बैठा कर आपकी पूजा करता रहा हूँ। पूजा करते हो? हाँ। तो क्या दिखाई देता है? एक निराकार तेज, अनंत तेज। उसमें मैं दिखाई नहीं देता? यदि आपका कोई स्वरूप है तो वो है आपका विराट स्वरूप, जिसके करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों मुख हैं। तो फिर आपके किन हाथों को, किन मुखों को देखा जाए? इसीलिए ज्ञानी केवल एक निराकार की कल्पना में मस्त रहता है। इसीलिए आपको इस समय बेचारे कृष्ण का यह वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता, जो मोह और भावना की लहरों में डूबता जा रहा है। देखो ना, उनकी भावनाओं की लहरें किस प्रकार मेरे कक्ष में छलछला रही हैं। आपके तो दिव्य चक्षु हैं, आप तो स्वयं देख सकते हैं। देखो, आप ये सारे अप्राकृतिक चमत्कार मुझे ना दिखाओ, इनसे आप संसारियों को भरमा सकते हो, ज्ञानी पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ते। बल्कि मुझे तो ये उल्टा चक्कर दिखाई दे रहा है। कैसा उल्टा चक्कर? उल्टा चक्कर ये है कि भावुकता की लहरें आपकी ओर नहीं आ रही हैं, बल्कि इस महल से ये लहरें आप बाहर उनकी तरफ भेज रहे हैं। प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी को जो लहरें अपनी ओर आती दिखाई देती हैं, ज्ञानी को वही लहरें अपने से दूर जाती दिखाई देती हैं। क्योंकि ज्ञानी सत्य देखता है, इसलिए मुझे तो ये दिख रहा है कि आप ये लहरें उनकी ओर भेजकर उन्हें भावना की लहरों में गोते खिला रहे हो। और मुझे आपका ये कौतुक अच्छा नहीं लगता प्रभु, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि सब गोपियां महान ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने कई जन्मों की तपस्या और साधना के बाद आपको गोपी रूप में पाया था। उनकी तपस्या को देखते हुए आपको ये चाहिए था कि आप उन्हें वास्तविक ज्ञान देते, सांसारिक दुखों के बंधनों से छुड़ाते। चलो मान लिया कि मैंने उनके साथ घोर अन्याय किया है, परंतु अब जो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हैं ये भी मैं बताऊं प्रभु? हाँ बताओ ना। आप ये माया मोह की लहरें उनकी ओर ना भेजकर उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो। मोह के अंधकार में फंसे हुए उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिससे वो आपके सुंदर नर शरीर के मोह में फंसने की जगह आपके वास्तविक सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को देखें, जिससे उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। बोलो, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? दूधों में जब कृष्ण का
कुछ कल्याण दे दूं सच्चा ज्ञान। श्री कृष्ण ने देखा कि जैसा आमतौर पर ज्ञानियों के साथ होता है, उद्धव को भी अपने ज्ञानी होने का अहंकार हो गया है। उसका रूप प्रेम है। तब उन्होंने सोचा कि इसे प्रेमा भक्ति का असली रूप दिखा दें, जिससे इसका कल्याण हो जाए। सच तो आप कह रहे हैं उद्धव भैया, परंतु जब भी मैं उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजने का प्रयास करता हूं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उन्हें तो प्रेम के अंधकार में ही ठोकरे खाने का मजा आता है, तो मैं क्या करूं? ये सब झूठ है। जो प्रेम करता है वो तो पागल ही होता है, और वो सब की सब मेरे प्रेम में पागल हैं। अब उन पागलों को कौन समझाए और कैसे समझाए? देखो कृष्ण, मानव पागल हो सकते हैं किंतु उनकी आत्मा पागल नहीं हो सकती। आत्मा तो आपका ही प्रतिबिंब है। यदि बिंब पागल नहीं तो प्रतिबिंब पागल कैसे हो सकता है? ये तो अनहोनी बात है। उद्धव भैया, ये अनहोनी तो अब हो रही है। इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है भैया। प्रतिबिंब पागल हो गया है और स्वयं पागल होकर अब उसने अपने बिंब को भी पागल कर दिया है। अब ऐसी परिस्थिति का क्या उपाय है भैया, बोलो। उपाय तो एक ही है, क्योंकि अंततः भक्ति का अंतिम परिणाम भी तो यही है कि भक्त को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो और वो मुक्त हो जाए। अब तक तो यही नियम था, परंतु अब तो ऐसा लगता है कि ब्रज की गोपियां इस नियम को झूठा साबित कर देंगी। उद्धव भैया, उनका कहना है कि भक्त को मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं। भक्त को मुक्ति की आवश्यकता नहीं, ये कैसी मूर्खों वाली बातें हैं? हाँ, उनका मानना है कि भक्ति की पराकाष्ठा है प्रेम, और प्रेम को केवल प्रेम ही चाहिए, प्रेम से मुक्ति नहीं। और वही प्रेम उसको दुख देता है, उसके हृदय को तड़पाता है। हाँ, आप तो योगियों के ईश्वर हो, परम योगी हो, उन्हें त्याग की शिक्षा दो। आप सच कह रहे हैं उद्धव भैया, उन्हें यही सच्चा ज्ञान प्रदान करना चाहिए, परंतु मुझे तो उनसे डर लगता है। उनके प्रेम का प्रवाह इतना प्रबल है कि वो ज्ञान के किनारों को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं तो उन्हें समझाने नहीं जाऊंगा। ज्ञान हिमालय पर्वत की तरह मजबूत और अटल सत्य है। भावना उसके चरणों में सिर पटक कर रह जाएगी, परंतु सत्य का एक कण भी उससे हिलाया नहीं जाएगा। ऐसा विश्वास है आपको? ये जो विश्वास शब्द है, इसमें भी संशय की कमजोरी छिपी रहती है, परंतु जो सत्य है उसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं, और ज्ञान ही सत्य है। फिर मेरी आपसे एक प्रार्थना है उद्धव भैया, कि ये शुभ कार्य आप ही करें। मैं करूं? अब तो उनके उद्धार का एक ही तरीका है। क्या? यही कि यदि आप जैसा कोई परम ज्ञानी जाकर उन्हें मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान प्रदान करें, उन्हें निराकार की साधना का गुरु मंत्र सिखा दे, तो उन बेचारी आत्माओं का कल्याण हो जाए। आज इस धरती पर सारी मानव जाति में आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है उद्धव भैया, इसीलिए ये शुभ कार्य आप ही को करना होगा। मैं अवश्य गोकुल वृंदावन जाऊंगा और वहां आपके प्रेम और मोह की पीड़ा के कारण छाई हुई उदासी के अंधेरे वातावरण में ज्ञान का ऐसा दीपक जला दूंगा कि चारों ओर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। ऐसा ही करना उद्धव भैया, ऐसा ही करना। आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही करूंगा, परंतु इसमें एक बड़ी समस्या है। अब कौन सी समस्या आ गई?
पहली तो ये कि वो मुझे पहचानती नहीं, और दूसरी ये कि जो मैं कहूंगा उस पर वो भरोसा क्यों करेंगी। जब तक उन्हें यह विश्वास ना हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं आपकी आज्ञा से कह रहा हूं, अर्थात आप भी ऐसे ही चाहते हैं, तब तक वो मेरी बात कैसे सुनेंगी। बस इतनी सी बात? इसका तो बड़ा सरल उपाय है। मैं अभी अपने हाथों उन्हें एक पत्र लिख देता हूं कि आपको मैंने ही उनके उद्धार के लिए वहां भेजा है, और जो कुछ आप कह रहे हैं उसे स्वयं मेरा संदेश माना जाए, तो बस सब ठीक हो जाएगा। चलिए अभी पत्र लिख देता हूं। हाँ हाँ चलिए चलिए। मेरे वृंदावन की प्यारी गोपियों, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे शरीर के साथ
कृष्ण के हाथों का स्पर्श हुआ। मुझे भागिन को तुझे को हृदय से लगाने दे कि मैं भी कृष्ण स्पर्श का आनंद उठाऊं। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रही हो? लाओ। उद्धव जी, चिट्ठी दे देंगे, पर पहले ये बताओ इसमें हमारा नाम किस स्थान पर लिखा है? तुम्हें पढ़ना भी आता है? अगर हमें पढ़ना आता होता भैया तो हम आपसे क्यों पूछते? हम स्वयं ही नहीं पढ़ लेते भैया। किसी को यहाँ पढ़ना नहीं आता, इसीलिए तो आपसे विनती कर रहे हैं ना। अब हमें इतना बता दीजिए कि इस चिट्ठी में किस किस का नाम किस किस स्थान पर लिखा हुआ है। हम अपने अपने स्थान को चुन ले, बाद में आप इस चिट्ठी को लेकर चले जाना। इस पत्र में किसी भी स्थान पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। क्या राधा का भी नाम नहीं लिखा है क्या उद्धव जी? नहीं, इस पत्र में राधा का भी नाम नहीं लिखा है। आप झूठ बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो ना उद्धव जी, बताइए ना उद्धव जी, उसमें क्या क्या लिखा है हमारे लिए? हमारी कौन कौन सी यादें उसको आती हैं? बताइए ना उद्धव जी, बताइए। उसे हमारी कुछ याद है भी कि नहीं? अगर उसे राधा का नाम याद नहीं तो क्या वो हमारा तुम्हारा नाम याद रखेगा? बोलो ना उद्धव जी, उसने अगर हमारे पास भेजा है तो क्या संदेशा देकर भेजा है? बोलो ना उद्धव जी। ये चिट्ठी उसने ये कहने के लिए भेजी होगी कि मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है, पर मैं राजकाज में बड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सकता, है ना उद्धव जी? क्या उसने ये लिखा है कि वो नहीं आ सकता या वो नहीं आएगा? हाँ, उन्होंने यही लिखा है कि मैं नहीं आ सकता, मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मुझे भूल जाओ। सच कहते हो? या हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें सताने के लिए झूठ मूठ बोल रहे हो उद्धव भैया? मैं भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं। यदि इस चिट्ठी में यही लिखा है तो तुम इस चिट्ठी को ब्रज की धरती पर लाए कैसे? ये चिट्ठी नहीं, ब्रज का अपमान पत्र है, इसके तो चिट्ठी चिट्ठी कर देनी चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? इधर लाओ, ये क्या कर दिया तुमने? जानती हो तुम लोगों ने क्या किया? ये पत्र जो तुमने फाड़ डाला है, ये स्वयं पर ब्रह्म के हाथ का लिखा हुआ पत्र था। ये वो गूढ़ ज्ञान था जिसकी खोज में ऋषि मुनि अनेक जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, और उस ज्ञान के चिथड़े कर दिए तुम लोगों ने। अरे, इतना ही दुर्लभ ज्ञान था तो उन्हीं ऋषि मुनियों के पास ले जाते, हम जैसी गवार ग्वालिनों के पास इसे लाने की क्या जरूरत थी? बोलो। तुम्हारे कल्याण के लिए, शारीरिक मोह की जिस भावना को तुम प्रेम प्रेम करती फिरती हो, उस प्रेम के दलदल से तुम्हें बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे नाम ये पत्र लिखा था। उन्होंने तुम्हें यह लिखा था कि मेरे जिस सुंदर शरीर से तुम प्रेम करती हो वो नश्वर है, एक दिन उसका नाश हो जाएगा, इसलिए इस मोह के बंधन को तोड़ो और मेरे अविनाशी रूप का ध्यान करो जो निर्विकार है, निराकार है। यह तुम्हारा मन जो मेरे रूप के प्रेम में पागल हो गया है, उस मन को मेरे ईश्वर रूप की साधना में लगाओ, इससे तुम्हारा दुख दूर होगा और कल्याण भी होगा। हमारे कल्याण की बात कर रहे हो? हाँ उद्धव जी, मुझे एक बात बताइए, तुम्हारा वो ईश्वर रहता कहाँ है? क्या उसके नैन भी हमारे कन्हैया के नैनों की तरह सुंदर और कटीले हैं?
नहीं 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 नहीं, ना उसके हाथ हैं, ना उसके नयन हैं, ना वो किसी के गले लग सकता है। वो पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार अविनाशी और अचल है। ना वो पैरों से चलता है, ना वो कहीं आता है, ना कहीं जाता है, क्योंकि वो हर समय हर स्थान पर व्याप्त और विराजमान है। ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है। वो भूत भविष्य और वर्तमान की सीमाओं से परे है। अगर उसके हाथ नहीं तो वो हमें छुएगा कैसे? उसके नयन नहीं तो वो हमें देखेगा कैसे? और अगर हमें कोई देखने वाला ही नहीं हो तो हमारी इस रूप की सुंदरता का क्या प्रयोजन? हम सजे संवरे किसके लिए उधव भैया? ना भैया, हमें ऐसे व्यर्थ के भगवान से क्या लेना? ना भैया ना, ऐसा अत्याचार हम पर मत करो। और यदि किशन ने आपको ये संदेशा लेकर भेजा है तो ये उपदेश उसी के पास वापस ले जाइए। उससे जाकर कहिए कि वही उस ईश्वर को ध्याए, हमें अपने प्रेम मार्ग से पथ भ्रष्ट ना करे। पहले ही हम लोग विरह में दुखी हैं, हमें ऐसे कटु उपदेश देकर और दुखी मत करो। तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए उन्होंने ये संदेशा भेजा है। देखो, प्रेम एक मोह का बंधन है। जो इस मोह के दलदल में फंसेगा वो अवश्य दुख पाएगा। और मैं कहता हूं, इस माया के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आओ, जहां न मिलने का सुख है न बिछड़ने का दुख है, केवल परमानंद ही परमानंद है। जीवन का वास्तविक लाभ है पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। अरे, जो प्रेमी को न प्राप्त कर सकी वो परमात्मा को प्राप्त करके क्या करेगी? परमात्मा को प्राप्त करोगे तो परम शांति को प्राप्त करोगे। ये जो तुम्हारी हाय हाय है ना, हाय मुझे प्रेमी नहीं मिला, हाय मुझे झूठे वचन देकर चला गया, हाय मुझसे विरह की पीड़ा नहीं सही जाती, सब शांत हो जाएगा। सब शांत हो जाएगा? हाँ, जैसे शव शांत होता है, जैसे शव शांत होता है। उद्धव जी, विराह की पीड़ा में जो आनंद है, उस आनंद को आप जानते हैं? पीड़ा में आनंद? हाँ, पीड़ा का आनंद। पर वो तो तुम तब जानोगे ना जब प्रेम करोगे। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? प्रेम आदि भावनाओं में फंसना मूर्खों का काम है, ज्ञानी इन बातों में नहीं फंसता। अरे, ज्ञानी कहते हो अपने को? प्रेम का तो ज्ञान नहीं, फिर ज्ञानी कैसे हो गए? भैया, प्रेम करो, प्रेम की पीड़ा को सहो, तब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि प्रेम की पीड़ा में इतना आनंद क्यों है। तब तुम संपूर्ण ज्ञानी बनोगे, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है।
दृढ़ करने को प्रेम पर उद्धव का विश्वास, सखियां उनको ले चली राधा जी के पास। यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण चंद के अमर प्रेम की अमिट निशानी है। यही कृष्ण चंद के अमर प्रेम की अमित निशानी है। इन्हें प्रणाम करो उधो, इन्हें प्रणाम करो उधो, पच धर्म अर्च काम और मोक्ष को मिल जाएगा सुधो, पच धर्म अर्च काम और मोक्ष को मिल जाएगा सुधो। राधा सुन लो, ये कृष्ण का नया संदेश लेकर आए हैं। कृष्ण का संदेशा है, उनके आने का संदेशा है क्या? कब आएंगे? अरे आने का संदेशा नहीं है, उन्होंने तो कहा है कि मुझे भूल जाओ। इन्हें भेजा है कि हमें योग ज्ञान और तप सिखाएं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हमारा कल्याण? तप और ज्ञान से हमारा कल्याण होगा? ये किसने बता दिया आपको? हमारा कल्याण तप और योग से नहीं, केवल संयोग से होगा। संयोग से, जब दोनों में कोई अंतर न रह जाए, जब कृष्ण राधा और राधा कृष्ण हो जाए, बस हम तो इसी को योग मानती हैं, और यही हमारा प्रेम योग है। ये जो आपका प्रेम योग है ना, इसमें दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। भगवान ने मुझे यही उपदेश देने के लिए आपके पास भेजा है, जिससे आपको इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति मिले। प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं आप? हाँ। परंतु हमने मुक्ति कब मांगी है? किसे चाहिए मुक्ति इस पीड़ा से? ये सब आसक्ति की बातें हैं, अन्यथा जोगन का ध्येय पीड़ा पाना नहीं, आनंद पाना होता है। परंतु आनंद की परिभाषा सबके लिए एक तो नहीं हो सकती। किसको किस बात में आनंद आता है, ये तो सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। आनंद का मापदंड सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु एक बात निश्चित है, पीड़ा को कोई आनंद नहीं कह सकता। कह सकता है, जिसे पीड़ा में आनंद आए वो कह सकता है। ऐसा कौन पागल है जिसे पीड़ा में आनंद आता हो? एक माँ और एक प्रेमिका। माँ और प्रेमिका? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, पुत्र को जन्म देते हुए हर स्त्री को कितनी असह पीड़ा होती है, परंतु एक माँ के लिए पुत्र जन्म में इतना आनंद है कि संसार की प्रत्येक स्त्री इस पीड़ा के लिए लालायित रहती है। यही हाल प्रेमिका का है, जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने अधरों से प्रेम रस का प्याला लगा ले, उसे संसार में किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही तो मैं कहता हूँ, अधरों का प्याला तो क्षण मात्र के लिए हो सकता है, तत्पश्चात जो जीवन भर का विरह तड़पाता है, उसका क्या उपचार है? ये जो आप बार बार विरह विरह की बात कह रहे हैं, विरह कहाँ है? विरह तो शरीरों का हो सकता है,
था, प्रेमियों की आत्माओं में विरह नहीं होता। वे तो प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये सब कल्पना की बातें हैं। अज्ञानी मानव इसी प्रकार की झूठी कल्पना के तारों में अपने आप को उलझाकर अपने आप को धोखा देता रहता है। आपने हमारी बात को कल्पना और झूठी कल्पना कहा। प्रेमियों की बात परम सत्य होती है। हमने आपसे कह दिया कि प्रेमी प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो सत्य ही कहा है। परंतु ये वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है, इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूं। आप देखना चाहते हैं? तो ये देखिए, हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं। से कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं। जहां मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा मैं वही हूं। वास्तव में मैं तो सब जगह हूं, केवल दिखता नहीं। जैसे अंधकार में वहीं पड़ी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और दीपक जलते ही वो वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही परम सत्य है उद्धव जी, और यही परम ज्ञान है। में जो भगवान देखे तो प्रेम और भक्ति की महिमा जानी। प्रेम
प्रेम से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी। कहाँ गए कृष्ण? देखा ना, इसी प्रकार सताते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। इतना तड़पाना, इतना तरसाना कोई अच्छी बात है उद्धव जी? अब उसे कहां ढूंढने जाऊं? अवश्य कुंज गली में किसी लता के पीछे जाकर छिप गया होगा। हाँ उद्धव जी, मेरा काना वही होगा। हाँ उद्धव जी, अवश्य मेरा काना वही होगा। हाँ वही ढूंढने जाऊंगी मैं उसे। हाँ, वही छिपा होगा मेरा काना, वही छिपा होगा। देख लिया ना प्रेमिका का हाल? इस तरह से बाबरी होकर तीन दिन भर घूमती रहती है, लताओं से, पेड़ों से, नदियों से पूछती है कि मेरा श्याम कहाँ है, कहाँ है मेरा कान्हा, कहाँ है मेरा कृष्ण, बताओ। लता बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, यदि मेरा कान्हा तेरे पीछे छुपा हुआ है तो मुझे बता दे, नहीं तो ये बता दे कि वो कहाँ गया है। हे भ्रमर, मेरा श्याम भी तेरी तरह कली कली का रसपान करने का आदी है। तुझे पता होगा कि वो कहां गया है, तू मुझे क्यों बताएगा? तू भी तो उसे छलिया का साथ देगा ना? इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था, यह अन्याय है, यह अन्याय है। राधे
उद्धव भैया आप आ गए, आप फ्रंट से लौट आए भैया। हाँ मैं लौट कर आ गया कन्हैया, तुम ब्रश से लौट कर चलाया कन्हैया। बस बस इतना ही कह के चुप हो गए, आगे भी बोलो ब्रज का कुशल समाचार सुनाओ उद्धव भैया, ब्रज का कुशल समाचार सुनाओ। सब लोग कैसे हैं, मेरे गोप सखा कैसे हैं, गोपियां कैसी हैं, और राधा जी कैसी हैं? उनसे कुछ बातें हुई, क्या कहा उन्होंने, मेरे लिए कोई संदेश दिया है? वहां मुझे कोई याद भी करता है उद्धव भैया? तुम चुप ना रहो उद्धव भैया, कुछ बोलो ना। वहां कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई उद्धव भैया? वहां सब कुशल तो है? बोलो भैया उद्धव भैया, वहां सब कुशल तो है? किसके कुशल पूछ रहे हो? आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्या वो कभी कुशल से रह सकती है? तुमने इतना घोर अन्याय उसके साथ क्यों किया? इतना घोर अन्याय तुम कैसे कर सकते हो? कि मुझे ब्रज जाकर ही पता चला, अन्यथा मैं तुम्हारा यह रूप कभी पहचान ही नहीं पाता। लोग तो तुम्हें प्रेम का अवतार कहते हैं, क्या ऐसा होता है प्रेम का अवतार? जो अपनी प्रेमिकाओं को उसके आंसुओं के नदी में डूबने के लिए छोड़कर चला आया और फिर पलट कर उसकी सुधी भी ना ले। उनकी सोचिए जिसके हृदय में आपकी विरह की पीड़ा दिन रात एक धान की भूसी की धीमी धीमी आग की तरह सुलगती रहती है, परंतु भस्म नहीं होती, निरंतर जल रही है, फिर भी जी रही है। आप जानते हैं क्यों जी रही है? एक वचन के सहारे कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। आपने पूछा कि उन्होंने कोई संदेश दिया है? केवल एक प्रश्न पूछा है कि कब आओगे? एक
एक ही प्रश्न पूछा है सबने, कब आओगे? हाँ, और इसका उत्तर देने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा? ये आप क्या कह रहे हैं उद्धव भैया? हाँ, आपको ही जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि चुभा अपना घर बार, अपनी संतान, अपनी पति पत्नी सब कुछ छोड़कर केवल आपके लिए जी रही है। ऐसी भक्तों और ऐसी प्रेम की जीवंत मूर्तियों को छोड़कर एक दिन के लिए भी आप मथुरा में कैसे रह सकते हैं? गोकुल जाने का मन नहीं होता आपका? करता है, बहुत करता है उद्धव भैया, परंतु मथुरा मेरी कर्तव्य भूमि है, इसे छोड़कर नहीं जा सकता मैं। मथुरा में अब कौन सा कर्तव्य बाकी रह गया आपका? कंस मारा गया, यदि वंशियों का संकट टल गया, अब आपको यहां क्या करना है? इसलिए मैंने निश्चय किया कि आज ही आपको वापस वृंदावन ले जाऊंगा। मेरे साथ चलिए, इसी क्षण मेरे साथ चलिए। ये काया पलट कैसे हो गई उद्धव भैया? यहां से जाने वाला उद्धव और वृंदावन से लौट कर आने वाला उद्धव, इन दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया? एक परम ज्ञानी आज भावना और प्रेम की बोली बोल रहा है, ये कैसे हो गया? कहीं ब्रज की किसी गोपिका ने आप पे जादू तो नहीं कर दिया? नहीं भगवान, ये किसी गोपिका नहीं, ये ब्रज की मिट्टी का जादू है। ये मेरे शरीर पर लगी हुई ब्रज की मिट्टी देख रहे हैं? एक बार अपनी देह पर लगा कर तो देखिए, ज्ञान और ज्ञान के अहंकार से दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। आंखें वही रहेंगी परंतु दृष्टि बदल जाएगी, चारों ओर बस एक ही रंग दिखाई देगा, प्रेम रंग, भक्ति का रंग। सब रंग फीके फीके लगने लगेंगे, कानों में और कुछ नहीं सुनाई देगा, केवल प्रेम की मुरली सुनाई देगी, प्रेम की। बस हो गया काम उद्धव भैया, जिस काम के लिए आपको ब्रिज भेजा था वो काम पूरा हो गया। क्या काम? वही जो उस गोपिका ने आपसे कहा था। अर्थात ज्ञान की भांग का नशा जो आप पर वारी था, उसे उतार कर आपको प्रेम की मदिरा चखाना चाहता था मैं। ज्ञान में एक अहंकार रहता है, परंतु प्रेम की मदिरा में एक ऐसी मस्ती है जिसमें प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल अपने प्रेमी को याद रखता है। जो अपने को ही भूल जाएगा उसका अहम कहां रहेगा उद्धव भैया? ज्ञान में तर्क, दर्शन और विज्ञान के कई रास्ते होते हैं जिनमें कभी कभी प्राणी ऐसा भटकता है,
ऐसा भटकता है कि दिग्भ्रांत हो जाता है। परंतु प्रेम के मार्ग में एक ही सीधी डगर है जिस पर चलता हुआ प्राणी कभी इधर उधर नहीं भटक सकता। इसलिए जो मुझे आपकी तरह बहुत प्यारा होता है उसे मैं बाकी सब रास्तों से निकालकर प्रेम के सीधे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता हूं। उस मार्ग पर वो जैसे भी चलेगा भटकेगा नहीं और अंत में सीधा मुझ तक पहुंच जाएगा। इस कृपा के लिए मैं किस प्रकार आपका आभार प्रकट करूं इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। का आभार मानना है तो राधा जी का आभार मानो, ये उन्हीं का उपकार है। राधे, हमारे प्रिय मित्र पर जो आपने उपकार किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमने ये आभार स्वीकार कर लिया है परंतु एक विनती है। क्या? फिर कभी किसी के हाथ इस प्रकार का संदेश न भेजना कि हमें भूल जाओ। आपकी क्षमा कर दो राधा, फिर ऐसी भूल नहीं होगी। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण
कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे